तो जनाब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर थ्रस्ट पर मसला हो, थ्रस्ट बैरिंग, पहले दिखा दूँ थ्रस्ट बैरिंग होते कैसे हैं। ये देखें, ये होते हैं थ्रस्ट बैरिंग, या थ्रस्ट असेंबली कह लें इन्हें आप। एक साइड पे इनकी जरियाँ होती हैं ऐसे, और दूसरी साइड इनकी प्लेन होती है। ये दो लगी होती हैं क्रैंक शाफ्ट की, सिर्फ एक जो है ना ब्रैकेट में, जो 3 नंबर ब्रैकेट होती है उस पर लगी होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका मकसद क्या होता है बेसिकली। ये देखें, ये आप नज़र आ रही क्रैंक शाफ्ट, ये ब्रैकेट है, ये 1 नंबर है, ऊपर एरो लगा हुआ है कि ये जब लगाएंगे तो इस साइड पे हो, जिस साइड पुली है। तो ये 2 नंबर ब्रैकेट है, ये 3 और ये 4 नंबर, और ये जो 3 नंबर ब्रैकेट है, 3 नंबर इसके अंदर ये होते हैं। और इनमें मसला आ जाए तो एक आवाज़ आती है गाड़ी चलाते हुए ना, मेरी भी आ रही थी। तो अगर जब इस चेक करना हो तो ऐसे शाफ्ट को राइट लेफ्ट ऐसे 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 आप जोर लगाएंगे, बहुत थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ आ रही है, पहले बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने भी चेंज की है थ्रस्ट। तो ये जो चेंज की है मैंने स्टैंडर्ड साइज़ के, पहले स्टैंडर्ड साइज़ के थे, तो अभी फिर स्टैंडर्ड साइज़ के मैंने डाले हैं, लेकिन आवाज़ कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो अब मैं लगाता हूँ कुछ जुगाड़, जुगाड़ ये करता हूँ कि इसकी बैक साइड पे पतरी डाल के देखता हूँ, एक बारीक पतरी काटता हूँ टिन पैक की, तो वो डाल के देखता हूँ कि मसला हल होता है कि नहीं होता। वैसे जेन्युइन काम ये है कि और साइज़ के डाले जाएँ, 1.25 वाले, 1.25 वाले जो हैं वो ओवर साइज़ के डाले जाएँ, लेकिन उसके लिए हो सकता है क्रैंक शाफ्ट पूरी खोलनी पड़े। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे क्रैंक शाफ्ट ना खोलनी पड़े। एक आवाज़ आती थी तो मुझे कन्फर्म नहीं था कि आवाज़ किस चीज़ की है, तो अभी मुझे लग रहा है कि आवाज़ इसी की थी। तो ये मैं इसको सेट करके, आवाज़ ख़त्म करके फिर मैं अभी चेक करूँगा। वैसे मैंने सारे ये बैरें पीसें ले ली थी, जो पीसें हैं ना इधर डलती हैं, पीसें इनमें ब्रैकेट में, और जो पिस्टिंग है इसके अंदर पीसें डलती हैं, तो मैं पीसें नहीं ले आया था, लेकिन क्योंकि आवाज़ इधर से आ रही है तो मैं अब पीसें नहीं डालूंगा, जो जैनियन है वही रहने देता हूँ पीसें। तो अब मैं सिर्फ थ्रस्ट डालूंगा, थ्रस्ट डाल के देखता हूँ। थ्रस्ट डाले मैंने, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी आवाज़ है। अब मैं ये करता हूँ कि जो नए डाले हैं वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि उनमें यह है कि वो जैनियन नहीं है, जो पहले हैं वो जेन्युइन है, वही रहने देता हूँ। सिर्फ उनकी एक साइड पे, एक थ्रस्ट की एक साइड पे मैं पतरी डाल देता हूँ, ताकि आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो थ्रस्ट जो है फंस के अंदर जाए इसके। तो ये जुगाड़ करता हूँ, देखते हैं कैसे कमयाब होता है। ये अभी मैं आवाज़ आपको सुनाता हूँ। देखिए आवाज़, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये जब इंजन चलता है तो ये आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, फिर बुरी लगती है काफ़ी। तो ये मसला है, तो चलिए मैं इसका जुगाड़ लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अगर इनमें पीसों मसला हो ना, पीसों में ये जो पीसे हैं इसके अंदर, तो अगर तो इस पीस में मसला हो जो होती है पिस्टिंग के साथ, जो ऊपर जा रहे हैं पिस्टिंग के साथ, तो एक मिनट, अच्छा ये अभी पिस्टिंग का है पीस, इसमें मसला हो तो इसको आप ऐसे ऊपर नीचे करके देखें, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा प्ले लग रहा है, प्ले तो नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो रही, इससे मतलब है कि इसमें प्ले नहीं है। ऊपर नीचे ऐसे आप ऊपर नीचे खींचेंगे ना, ऐसे ऊपर नीचे हल्का हल्का, तो इन्हें प्ले हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर इनका प्ले देखना है ब्रैकेट का, यहाँ पे पीसें लगी हुई हैं, जहाँ पीसें हैं उनका प्ले देखना है, तो आप इसको ऊपर नीचे शाफ्ट को ऐसे ऊपर नीचे शाफ्ट को आप पकड़ के
करें। अगर इसमें प्ले आता है तो इनमें मसला है, ये चेंज होने वाली है। तो इनमें प्ले मेरा नहीं है, मेरा प्ले सिर्फ रपट के राइट लेफ्ट पे है, तो उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ। जनाब इस डब्बे को काट के बनाते हैं, थ्रस्ट के साइज़ की पतरी काटते हैं इसमें से। ये डब्बा नॉर्मल इंश्योर डब्बा है, तो उम्मीद है इससे हमारा मसला हल हो जाएगा। ये देखें जी, ये दो पतलियाँ तैयार हो गई हैं इस साइज़ की। तो जब हम लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जिस साइड पे क्लच है उस साइड पे ना लगाएं, ताकि इन पर लोड कम पड़े। तो चलें जी, जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं फिर। अच्छा जी, देखें ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, ये थ्रस्ट है, एक इस साइड पे और इस साइड पे। और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो जड़ी वाली साइड है, ये जड़ी वाली, ये क्रैंक शाफ्ट तरफ आए, यानी अगर इस तरह इस साइड पर लगाना है तो ये ऐसे लगेगा कि जड़ी जो है वो क्रैंक शाफ्ट को टच करे, बजाय इसके कि सेंटर टच करे। तो अभी हम एक ही पतली डालते हैं, उम्मीद है एक पतली से काम हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करते हैं कि इसकी जो ये साइड है ना, जिस साइड पे क्लच है उस साइड पे ना डालें, दूसरी साइड पे डालें, ताकि जो क्लच है वो इधर लोड पड़ता है, इस पर इधर आती है क्रैंक शाफ्ट, तो इधर लोड कम से कम पड़े, पतरी पे लोड ना आए। मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, अब आपका काम बनता है कि मेरा चैनल आदमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। कि मैं क्यों दोनों काम करने हैं, वीडियो बनानी है और काम भी करना है। तो इसका यह है कि आप पहले दोनों थ्रस्ट निकाल लें, दोनों आप निकाल लेंगे, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, फिर शाफ्ट को एक साइड पे करके आप पतरी साथ रखें और साथ रखें एक थ्रस्ट रखें, जैसे जैसे दोनों पतरी में रखें और थ्रस्ट रखें, और इसको जो है आप घुमाएंगे इधर से स्पैनर डाल के, और आस्ते आस्ते थ्रस्ट को पकड़ेंगे और पतरी को भी अंदर चला जाएगा। जब ये फुल अंदर चले जाएंगे तो फिर दूसरा थ्रस्ट आपने डाल लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा यार, इसमें मैंने जब दो पतरियाँ डाली तो उसकी मोटाई ज़्यादा होने की वजह से थ्रस्ट फिट नहीं आ रहे थे, तो फिर इसको मैंने बारीक किया है हैमर से। तो काफ़ी एक पतरी डाली है, वो भी बहुत बारीक करके, उसके बाद जो फिर भी बहुत मुश्किल से डाले गए हैं। तो आप इतना मुश्किल काम कर सकते हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ अपनी क्रैंक शाफ्ट निकालें, खराद वाले से ग्राइंड कराएं, उसके बाद नया थ्रस्ट बैरिंग डालें। लेकिन मैंने तो डाली है, थोड़ा सा इस पतरी को काफ़ी बारीक ही है, फिर दोबारा काटा है, क्योंकि बारीक करने से इसकी शेप थोड़ी चेंज हो गई थी, बे पतरी बड़ी हो गई थी बारीक करने से। तो इसको बारीक करने के बाद फिर काटा है हिसाब से, और दूसरा ये किया है कि जो दूसरा थ्रस्ट का उसको दूसरी साइड से, जो क्रैंक शाफ्ट वाली साइड होती है उससे नहीं, दूसरी साइड जो होती है स्टेटिक और सेंटर वाली साइड, वहाँ से उसको मैंने रेती से काफ़ी पतला किया है। तो फिर ये मेरा मसला हल हुआ है, तो मेरा आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है ये शाफ्ट वाली, तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया मेरा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल आदमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।